अच्छा, गणेश भगवान का क्या स्वरूप है और उनके क्या मंत्र हैं, उनकी क्या पूजा प्रतिष्ठा विधि है, उस पर थोड़ा प्रकाश डाल। जी जी जी, देखिए गणेश भगवान हर हमारे वेदांत के जो सिद्धांत बनाए गए जी, वो किसी न किसी दृष्टांत पर आधारित है जी, क्योंकि वेदांत अपना सिद्धांत बिना दृष्टांत के समझा नहीं सकता जी जी जी। तो हम सूंड देते हैं कि भगवान गणेश के सूंड है जी, तो एक तो अर्थ उसका व्यापक जो हमको दिखाई पड़ता है ये सूंड है, लेकिन सूंड का आध्यात्मिक अर्थ सूक्ष्म अर्थ क्या है जी? हाथी जो होता है, हाथी की ग्रहण शक्ति, सूंघने की शक्ति बड़ी तीव्र होती है, इसीलिए जब हाथी चलता है तो भूख सूंड से वो वायु पैदा करते हुए चलता है और अपनी घ्राण इंद्रिय से वो जान लेता है, तो सूक्ष्म बुद्धि का प्रतीक है हाथी। तो गणेश भगवान बुद्धिदाता है, मोदक प्रिय, गोस्वामी जी ने कहा मुद मंगल दाता, विद्या बारी थी बुद्धि विधाता। अगर आपको बुद्धि चाहिए तो उसके विधाता है गणेश भगवान। और दूसरी चीज और गणेश भगवान में बड़ी विशेष है कि ये विघ्न कर्ता भी है, विघ्न डाल देने वाले। भगवान शंकर त्रिपुरासुर का वध करने चले और गणेश भगवान का स्तवन नहीं किया तो निराश होना पड़ा, तो उनको गणेश पूजन करना पड़ा, भगवान महागणपति ब्रह्म स्वरूप जो देवता है, तो जब गणपति का पूजन किया तो वही विघ्न कर्ता विघ्न हर्ता बन गए और उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया। तो दूसरी बात ये विघ्न कर्ता भी है और विघ्न हर्ता भी है, यदि इनकी अवहेलना की जाएगी तो कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा, ये निश्चित है। गणपति भगवान को इनका सूक्ष्म बुद्धि सूंड का स्वरूप, श्रुति जो कान बड़े बड़े हैं ये संदेश देते हैं कि हमको दूसरे की बात अधिक मात्रा में सुनना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। देखिए कितना सुंदर विवेचन किया। और तीसरी बात, इन्होंने जो अंकुश धारण कर रखा है आयुध के रूप में, तो अंकुश का ये प्रतीक है कि अब पहले अपने पर अंकुश लगाना चाहिए, हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और मन, इनको अंकुश करने पर जब हम अपने को स्वयं को अंकुशित रखेंगे तो हम दूसरे को समझा नहीं पाएंगे। गणेश भगवान की जो सवाल दूसरा वो बताते हैं, दूसरा उनके हाथ में एक पास है, तो पास में भगवान गणेश ने ये जो बद्ध पुरुष है, क्योंकि इसीलिए ये जो मनुष्य बात होता है ये अपने कर्म बंधन से बंधा हुआ होता है, तो उस वो ये प्रतीक दिखला रहे हैं कि जो बद्ध मनुष्य है ये अगर सूक्ष्म बुद्धि से और वेद शास्त्र के श्रवण से लाभ उठाना चाहें तो ये स्वयं मुक्त है, ऐसे कर देते पास खुल जाता है, भगवान गणपति का नाम लेते ही विघ्न दूर और बंधन खत्म। चूहे की सवारी, चूहा केवल मूसक की नहीं है, चूहे की एक प्रवृत्ति होती है कि वो हमेशा उद्योगी रहता, सतत कर्मी रहता, कर्मवान रहता है, तो जो उद्योग पर बैठ करके उद्योग पर आरूढ़ होता है, तो रिद्धि और सिद्धि भगवान गणेश की दो वो हैं पत्नियां, रिद्धि सिद्धि उसकी दासी होती है जो उद्योग पर आरूढ़ होता है, ये संदेश देते हैं भगवान गणेश। और जो उद्योग पर बैठ करके रिद्धि सिद्धि को अपना दासी बना लेता है उसको दो पुत्र प्राप्त होते हैं, एक शुभ और दूसरा लाभ, ये गणेश जी के दोनों पुत्र हैं। तो ये इनका स्वरूप, इनके आयुध। मोद माने आनंद होता, केवल लड्डू ही मोदक नहीं प्रिय है भगवान गणेश को, मोदक मोदक प्रसन्न करता है, ये जो दूसरे को प्रसन्न करता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्, दूसरे को मोद देना, मोदक मोद देने वाला गणेश भगवान को, सबको आनंद देने वाले गणेश भगवान का बड़ा व्यापक। अच्छा, जो अभी आपने बताया गौरी जी, तो द्वितीय जो देवता के रूप में आपने बताया गौरी, तो इनका क्या स्वरूप है और इनका क्या महात्म्य है जी, इस पर भी आप जो है हमारे जिज्ञासुओं को कुछ बताएं जी। आशुतोष जी से बहुत सुंदर, गणपति अधूरे हैं बिना गौरी के जी, क्योंकि गौरी इनकी मात्र शक्ति है जी। बुद्धि आपके पास हो लेकिन शक्ति अगर नहीं है, शक्ति स्वरूपा माँ गौरी है, सौभाग्य स्वरूपा माँ गौरी है,
तो विद्या और बुद्धि आपके पास है लेकिन आपके शक्ति नहीं है। ज्ञान की धर्षात्री माता सरस्वती है, प्रचोदिता ये पूरा सरस्वती भगवान व्यास ने लिखा है। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा स्वयं के मुंह से वाणी के रूप में माँ सरस्वती ही प्रकट हुई थी। हमारे महान कविकुल शिरोमणि महाकवि कालिदास स्वरूप ने अपने रघुवंश की प्रारंभिक श्लोक में माँ गौरी वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। तो वो गौरी माता के बिना भगवान शिव अधूरे हैं। गौरी का ये महत्व है। तो गणपति से विद्या बुद्धि लेकर के आप गौरी पूजन करें, तो जब गौरी पूजन आप करेंगे तो मैंने अभी बताया माँ दुर्गा जगदम्बा वायु स्वरूपा है। और भागवत में भी कहा गया है वसु नाम, जो वसुओं की पूजा करें, धन की इच्छा करें, ये धन भोग ऐश्वर्य की पदात्री माँ गौरी है। ये समस्त माया को सांसारिक भोग ऐश्वर्य की प्रदान करने वाली माता है। ये भोगदात्री भी है और मुक्तिदात्री भी है। माँ सरस्वती रूप में वो मुक्त करती है, साविद्या या विमुक्त है, जो मुक्ति को दे वही महाविद्या है। इनके नौ स्वरूप हैं। वैसे माँ गौरी के चार नवरात्र हैं, दो गुप्त हैं और दो प्रकट हैं, जो चैत्र और शारदीय नवरात्र शुक्ल पक्ष में मनाए जाते हैं। इनमें भगवती का विशेष पूजन होता है। हम सामान्य रूप से गौरी गणेश का आपके प्रश्न का उत्तर दिया है और थोड़ा सा विस्तृत रूप में ये बताना चाहते हैं कि हमारे आज के भारतवर्ष के लगभग प्रत्येक घरों में नवरात्र के दिनों में छोटी बड़ी सभी प्राणी पूजा करते हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो। हमको बड़ी प्रसन्नता है, जो हम अभी 40 वर्ष 50 वर्ष पूर्व नहीं देख पा रहे थे, इन वर्षों के अंतराल में इतनी व्यापकता घरों में हुई है नवरात्र की। तो ये नवरात्र नव दुर्गा की प्रतीक है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडे चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं चाद्यायिनी च सप्तमं कालरात्रि च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च दुर्गा प्रकृति। ये नौ दुर्गाओं के रूप में माँ जगदम्बा की कृपा होती है और वो लक्ष्मी स्वरूप होकर के अष्टलक्ष्मी अरिमा गरिमा सिद्धियाँ प्रदान करने वाली है। देखिए भरत जी, एक प्रसंग छोटा सा याद आया। हमारे ऋषियों मुनियों के पास तो कुछ नहीं था, कंदमूल फलाहार करते थे, गंगा जलपान करते थे। तो जिस समय भगवान राम वनवास काल में थे तो भरत जी अपनी सेना के सहित उनको मनाने के लिए पहुंचे। तो सबसे पहले प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग तिनहि राम पद अति अनुराग। तो वहां जब भरत जी पहुंचे तो एक राजा और राजयोजित सेना के साथ, चतुरंगिनी सेना साथ में, तो आश्रम में आए हुए अतिथि का सत्कार होना चाहिए। तो भरद्वाज ऋषि ने सोचा कि यदि इनको हम इनको राजोचित सम्मान नहीं कर सकते तो कहेंगे कि हम क्या, मन में इनके साथ के लोग क्या सोचेंगे। ऋषि के पास जल और भोजन भी नहीं था जो हम लोगों को रात्रि निवास में खिलाया। तो उन्होंने माँ महालक्ष्मी का स्तमन किया और कहा, हे माँ, आज की रात तुम इनकी पहुनाई करा दो, मैं आपसे ऐसी याचना करता हूँ। उन्होंने बड़े सुंदर स्तोत्र का पाठ किया। एक रात श्लोक हम बताते हैं, लक्ष्मी त्वया अलंकृत मानवायै पापैर विमुक्ता नृपलोकमान्या, लक्ष्मीर विमुक्ता नृपलोकमान्या गुणैर विहीना गुणिनो भवन्ति दुःशीलिनः शीलवतां वरिष्ठा। हे मां, अगर